औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मुस्तकबिल खुशियाँ और आसानियाँ अता करे। ज़ैद फूड सीक्रेट में ज़ैद कदीर आपकी खिदमत में फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर है। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएँगे बीफ करी। तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है हम उसी तरीके से बनाएँगे। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले जो जो हज़रात मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और बेल आइकन लाजमी दबाएँ ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि बीफ करी कैसे बनती है। ये आलू ले लिए हमने आधा किलो, प्याज, उसके बाद टमाटर फ्रेश ले लिए, हरी मिर्च, ये धनिया और अदरक हमने ले लिया है और ये लहसुन जो है छील कर रख लिया है और आधा किलो हमने बीफ लिया है। आलू काट लेते हैं सबसे पहले। अदरक से थोड़े से स्लाइस हम काट लेंगे गार्निश के लिए। बस ये तीन स्लाइस हमने ले लिए, बाकी अदरक कूट लेंगे। अदरक और लहसुन जो है इनको हमने कूट लेना है। तो अभी चलते हैं कुकिंग की तरफ। सारी चीज़ें हमने काट ली हैं, ऑन चढ़ा लिया हमने, इसमें ऑयल डालेंगे। ये बीफ हमने लिया है और इसको बिल्कुल ये देखें, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है लेकिन ये है कि आम रूटीन से ये छोटा छोटा मैंने काटा है एक साइज़ का। ये तकरीबन आधा किलो बीफ है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे।
इतनी देर में हमारा प्याज तैयार हो रहा है, हम ये लहसुन और अदरक जो है इसको कूट लेते हैं। इसको कूट के एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम बना रहे हैं मोटा गोश्त। इसमें यह है कि प्याज जो है इसके गलने में मदद करेगा। अभी इसमें हम लहसुन और अदरक कूटी हुई शामिल कर लेंगे। अभी हम इसे मसाले शामिल करेंगे। एक चम्मच सूर्ख मिर्च, एक चम्मच दड़ा मिर्च, नमक, हाफ चम्मच हल्दी, और इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन इसमें हमने 6 कप पानी शामिल किया है। अभी इसको बंद कर देंगे और बॉयल होने देंगे। तकरीबन इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें हम मटन शामिल कर लेंगे। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसे बंद किए हुए। अभी हम इसमें ये आलू डाल देंगे। और इसे फिर बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। जितनी देर में हमारा गोश्त तैयार हो रहा है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्च छोटी काटी हुई, ये मसाला वो तैयार कर रहे हैं जो हम एंड पर डालेंगे। धनिया, इसके ऊपर थोड़ा सा तीखा बूटी मसाला हम डालेंगे। अदरक,
पिसा हुआ मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये जब सालन हमारा तैयार हो जाएगा तो उतारने से पहले ये मिक्स मसाला उस पर व्यूअर्स तकरीबन तैयार हो गई है हमारी बीफ करी। अब इसमें हम ये जो मसाला हमने तैयार किया हुआ है ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी बीफ करी तैयार हो गई है। ये देखें कितना जबरदस्त। दानेदार सालन बनाया। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार लाजमी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह जायद कदीर आपकी खिदमत में नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।